Hello, my dear students. Myself, Dr. Adharati. Today we will discuss the pest of rice weevil, which is also a pest of stored grains. And its scientific name is Cetophilus horiaci. And it belongs to the phylum Arthropoda, class Insecta, order Coleoptera, family Curculionidae. And it is the most destructive insect pest of stored grain all over the world. And its host plant are rice, wheat, maize, grain, etc. All are its host plant. And general appearance ki iski baat karein, to morphologically it look like a beetle like this. एंड इसका जो है वो आगे की तरफ एक रोस्ट्रम निकला हुआ होता है. द अडल्ट इंसेक्ट इज ब्राउन कलर्ड बीटल. इसका जो कलर है वो ये ब्राउन कलर का होता है. एंड इट्स लेंथ इज 3.5 mm. इसकी बॉडी लेंथ जो है वो है 3.5 mm. एंड इट हैज़ प्रोमिनेंट रोस्टरम. ये जो है इसका रोस्टरम है, ठीक है. जो आगे की तरफ प्रोमिनेंटली निकला हुआ होता है. इसकी जो फीमेल है वो लार्जर होती है साइज में देन दैट ऑफ द मेल. और इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 28 to 35 days में, ठीक है. और इसकी लाइफ स्टेजेस भी जो है वही होती हैं. जैसे सबसे पहले इसमें एग होते हैं. एग जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, गर्भ स्टेज में. इसकी गर्भ स्टेज है. देन जो गर्भ है वो इन प्यूपेट होके प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. और प्यूपा जो है इट कन्वर्टेड इनटू द अडल्ट आफ्टर मॉल्टिंग, ठीक है. तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. लेकिन इसकी लाइफ साइकिल जो है वो हमारे एग्ज़ाम्स में नहीं आती है. अब इसके डैमेज की बात करते हैं. तो ये जो पेस्ट है ये काफ़ी सीरियस पेस्ट है. और इसका मेन डैमेज जो है वो कौन करता है, डेट इज़ द गर्भ स्टेज. ये जो गर्भ है वो इसका मेन डैमेजिंग स्टेज है. इट इज़ वेरी सीरियस पेस्ट ऑफ राइस, मेज, बार्ले एक्सेट्रा इन ह्यूमिड कंडीशन. अगर बेसिकली हम ह्यूमिड कंडीशन की बात करते हैं तो ये काफ़ी सीरियस पेस्ट है. और ह्यूमिड कंडीशन में पूरी जो है स्टोर्ड ग्रेन को ख़राब कर देता है. द गर्भ एंड अदर अडल्ट बोथ फीड ऑन द ग्रेन्स, ठीक है. द सीड लेफ्ट बिहाइंड ओनली विद कवरिंग इज इनकेपेबल ऑफ जर्मिनेशन. जो सीड रह जाता है थोड़ा सा वो कभी जर्मिनेट नहीं कर सकता दोबारा, तो इसलिए वो ख़राब ही हो जाता है. ड्यू टू हैवी इन्फेस्टेशन द लॉस कैन इंक्रीज अप टू 50%. तो जैसे मैंने बताया ये अप टू 50% जो है वो डैमेज कर देते हैं, ठीक है. डैमेज जो है इनका इतना ज़्यादा है कि 50% तक ये लॉस कर देते हैं. और अब इसके कंट्रोल की बात करते हैं. अगर ये इतना डैमेज करता है इंसेक्ट तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो है नंबर वन, द कम्प्लीटली ड्राइड पेस्ट्री ग्रेन शुड बी स्टोर्ड, ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनको जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करने से पहले कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए. इसमें सेकंड क्या है, सेकंड है द गोडाउन शुड बी स्टेलाइज्ड बाय बर्निंग कोक एंड स्प्रेइंग ऑफ 2.5% मिथोक्सीक्लोर. 2.5% मिथोक्सीक्लोर से
इसको गोडाउन को स्प्रे करके, ठीक है, उनको आप स्टेरलाइज कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है दैट इज सरफेस इन्फेस्टेशन कैन बी कंट्रोल बाय एरोसोल लाइक पायरेथ्रम एरोसोल। पायरेथ्रम एरोसोल का इस्तेमाल करके हम सरफेस इन्फेस्टेशन को, हम ड्रेन्स के सरफेस को खराब होने से रोक सकते हैं। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज फ्यूमिगेशन ऑफ गोडाउन बाय 25% HCN कैन कंट्रोल इट। ठीक है, 25% HCN का हम फ्यूमिगेट करके भी अपने स्टोर्ड ग्रेन को इससे बचा सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे मेन डैमेजिंग स्टेज गर्भ है, और इस पे भी क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि इसकी बीटल है ये, तो इसकी लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट स्टेज क्या है, दैट इज़ गर्भ स्टेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वी विल डू द अनदर पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन। सो देन बाय बाय, टेक केयर।